ஜாமிநாத வட்டமர்வயம் சகார சண்ட தாண்டவம் தனோது சிவ சிவம். तो एक बार भगवान शिव के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर की महिमा ऐसी कि जो भी यहाँ आता वो खाली हाथ नहीं जाता। मान्यता है इस मंदिर की बहुत ज्यादा फेमस है ये सोनपुर का मंदिर। जो कोई लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं उनका पूरा हो जाता है, पूजा करने आते हैं। हमेशा क्या इतनी ज्यादा ही भीड़ होती है? हाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत नामी मंदिर है ये? बहुत नामी है, विश्व के सबसे बड़ा मंदिर। इसी मंदिर में क्या इस मंदिर की कोई खास बात? हाँ यहाँ नदी है, नजदीक में गंडक है, गजेंद्र मोक्ष वहाँ पर एक गजग्रह का बहुत नामी है मंदिर, इसलिए भगवान से जो भी मांगते पूरा हो जाता है एक बार में। बिल्कुल बिल्कुल, भोलेनाथ बहुत दयावान है। बिल्कुल हरिहरनाथ मंदिर एक ज्योति, बोलिए बाबा हरिहरनाथ की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ आपके साथ मानसी। इस वक्त हम मौजूद है सोनपुर में। जी आपको बता दें कि हम सोनपुर मेला का कवरेज करने आए थे कि उसकी तैयारियाँ क्या कुछ चल रही है, और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर हरिहरनाथ इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ लगी है भक्तों की। बाबा हरिहरनाथ शिवलिंग विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जिसके आधे भाग में शिव, हर और शेष में विष्णु की आकृति। आपको बता दें कि एक ही गर्भगृह में विराजे दोनों देव एक साथ हरिहर कहलाते हैं। पूर्व मान्यता के इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा शैव ने और वैष्णव संप्रदाय को एक दूसरे से नजदीक लाने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि गज ग्रह की पुराण कथा भी प्रमाण है। एक तथ्य ये भी है कि इस स्थल पर लंबित संघर्ष के बाद शैव और वैष्णव मातावलंबियों का संघर्ष विराम हुआ था। कथा के अनुसार श्री रामचंद्र ने गुरु विश्वमित्र के साथ जनकपुर जाने के दौरान एवं रुक कर हरि और हर की स्थापना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार ये भी मानते हैं कि जब राम भगवान सीता से स्वयंवर के लिए जा रहे थे तभी इस मंदिर की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं इस वक्त अभी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी पड़ी है। भगवान शिव पे जल चढ़ाने के लिए भक्त बहुत ज़्यादा भीड़ में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे आसपास यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। लोग काफी पूजा और श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ आए भक्तों से जानेंगे कि क्या कुछ विश के साथ वो यहाँ पूजा करने आए हैं और क्या कुछ मांग रहे हैं। बताइए क्या मांगा भगवान शिव से? पूजा करने आए हैं। मंदिर कितना ज्यादा पुराना है? बहुत ज्यादा। मान्यता है इस मंदिर की बहुत ज्यादा फेमस है ये सोनपुर का मंदिर। जो कोई लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं उनका पूरा हो जाता है, पूजा करने आते हैं। आप बताइए क्या मन्नत मांगा भगवान? हम मन्नत मांगने नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा पहली बार आए हैं जी। तो कैसा लगा पहली बार में यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सोनपुर मेला भी लग रहा है जी। वो घूमा या नहीं? नहीं, मेला तो घूम रहा है 20 साल से। 20 साल बचपने से घूम रहे हैं जी। तो आपने देखा यहाँ आए भक्त बहुत ज़्यादा मन्नत के साथ आते हैं, भगवान शिव से मन्नत मांगते हैं, उनकी जो भी मन्नत होती है वो भी पूरी हो जाती है। आइए चलते हैं और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। जी कर लिया। क्या मन्नत मांगी भगवान शिव से? भगवान से मांगे बाल बच्चे के लिए, पति के। अच्छा यहीं रहती है या फिर कहीं बाहर से आई है मंदिर? मैं यहीं रहती हूँ, बलवट्टा कॉलोनी। हमेशा आती है यहाँ? जी हमेशा आती हूँ। तो हमेशा क्या इतनी ज्यादा ही भीड़ होती है? हाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत नामी मंदिर है ये? बहुत नामी है, विश्व के सबसे बड़ा मंदिर। आप बताइए पूजा हो गई आपकी? हाँ अभी मुंडन के लिए आए हैं, मेरे जावत का मुंडन है। अच्छा तो कितनी दूर से आई है, कहाँ से आई है? हम लोग आए हैं 40-50 किलोमीटर। 40-50 किलोमीटर। इसी मंदिर में क्या इस मंदिर की कोई खास बात? हाँ यहाँ नदी है, नजदीक में गंडक है, गजेंद्र मोक्ष वहाँ पर एक गजग्रह का बहुत नामी है मंदिर, इसलिए। क्या मन्नत मांगी भगवान से? भगवान से जो भी मांगते पूरा हो जाता है एक बार में। बिल्कुल बिल्कुल, भोलेनाथ बहुत दयावान है। बिल्कुल देखा आपने, ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, हम लोग यह मानते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग है।
बिल्कुल हरिहरनाथ मंदिर एक ज्योति, बोले बाबा हरिहरनाथ की जय। देखा इन्होंने बोला बाबा हरिहरनाथ की जय। और जो भी लोग यहाँ आते हैं पूजा करते हैं मन्नत मांगते हैं, आइए चलते हैं हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने भगवान शिव से क्या मांगा। तो आपने देखा इस मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ उम्र पड़ी है, पूजा के साथ साथ यहाँ मुंडन शादी विवाह सब कुछ होता है, सारी चीज की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाती हैं और सब कुछ होता है। लोगों का मानना है कि ये मंदिर बहुत पुराना है और जो भी मन्नत मांगो यहाँ पे पूरा हो जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं इस मंदिर में मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं जो कि आइए चलते हैं हम और भी कुछ लोगों से जानते हैं। बताइए पूजा हो गई? हाँ हो गया। क्या मांगा भगवान? अपने लिए दुआ मांगा। दुआ मांग? लड़की नहीं मांगी? नहीं। क्यों? बेकार है वो सबसे। बेकार है? अच्छा शादी नहीं करना है? नहीं करना। नहीं करना ही नहीं है, मतलब करना ही? लड़के के पास जाना ही नहीं है। लड़के के पास जाना ही नहीं। आप बताइए क्या मांगा? भाभी के साथ में आए हैं। भाभी के साथ में नहीं करने के लिए आए थे, मतलब भाभी के साथ में आए थे। हम क्या मांगेंगे, भाभी जो मांगेंगे बाबू क्या मांगेंगे। तो फिर कैसा लगा यहाँ? हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत सुहावना। सुहावना हमेशा आते हैं या पहली बार? हमेशा आते हैं। पुरानी सभ्यता है यहाँ का। सोनपुर का बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर से भी हमेशा आते हैं। आज आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज तो काफी ज्यादा भीड़ पड़ी है। हाँ सुबह से भीड़ पड़ी। सुबह से भीड़ है। हाँ। ये कब तक चलने वाली है? पूरे शाम तक चलने। अच्छा एक बात बताइए, हमेशा ऐसी भीड़ होती है या फिर आज ऐसी? कब? सभी जगह हमेशा भीड़ होती है। देखा आपने काफी ज्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे और ये भीड़ सुबह से लगी है, लोगों का कहना है कि ये भीड़ हमेशा ही होती है। तो आपने देखा हम हरिहरनाथ मंदिर आए थे लोगों से ये जानने कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितनी पुरानी ये मंदिर है। तो हमें यहाँ लोगों से भी पता चला और मैंने भी आपको बताया कि ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मान्यता के मुताबिक बहुत ज़्यादा ही है। लोग बहुत ज़्यादा जय। तो आपने देखा यहाँ आरती गूंज रही है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24। तो एक बार भगवान शिव के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।